आप डीएम से आप यहाँ बैठे थे सदस्यों में तत्कालीन प्रमुख के खिलाफ काफी दिनों से काफी रोष था। हम लोग लगातार संघर्षरत थे। इसी सिलसिले में हाईकोर्ट के आदेश के वजह से आज जो है यहाँ वोटिंग संभव हुई और हमारे कोरम हमने पूरा किया जो 50% से ज्यादा का होता है और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पूरी तरह से उनके खिलाफ मतदान किया। इसको क्या मानते हैं? नहीं, अगर मनोज राय जी ये समझते हैं कि सत्ता के बल पे कुछ किया गया है तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और ये हाईकोर्ट की वजह से ऐसा संभव हो पाया है। सरासर उल्लंघन किया जा रहा है और इसको तत्काल मतगणना रोकी जाए और जैसा माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि इसके रिजल्ट पे रोक रहेगी। 31 तारीख तक हमारी याचिका आयोजित की है हमने हाईकोर्ट में, उस पर 31 तारीख को डेट पड़ी हुई है। जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता तब तक कोई मतगणना नहीं की जाएगी। यहाँ क्या कर रहे हैं लोग जी? यहाँ मतगणना कर रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके। एसडीएम साहब सरकार के दबाव में, सत्ता के दबाव में अपना मतगणना करा रहे हैं, रिजल्ट भी घोषित कर दिए। क्या करना, हम तो है ही हाईकोर्ट में है ही है, फैसला वही होगा हाईकोर्ट के लखनऊ न्यायालय में। हमने दिया कि ये जो है इसको रोका जाए मतगणना को, जो अवैध है पूरी तरह से, उसको सारा सब कुछ काम पूरा काम ही अवैध तरीके से किया जा रहा है। उसमें पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। खाली सत्ता सरकार के सारे पर 15 दिन की स्पष्ट नोटिस बीडीसी मेंबरों को होनी चाहिए, किसी को नहीं प्राप्त कराई गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24/10/2018 के आदेश के क्रम में आज पूरे दिन की अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई हुई है।